बिल्लर रहीम लिटिल लर्नर्स आई एम नबीला बशीर एंड आई वेलकम यू टू गोहर पब्लिशर्स आवर स्लोगन इज रीडिफाइनिंग द जियोग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्स फॉर कॉन्सेप्ट लर्निंग डियर स्टूडेंट्स इस वीडियो में हम गोहर स्किल अप इंग्लिश नर्सरी का पेज नंबर सेवेंटी वन सेवेंटी टू और सेवनटी थ्री करने वाले हैं और हम सीखने वाले हैं हमारा नेक्स्ट लेटर और वो है लेटर डब्ल्यू तो चलिए स्टार्ट करते हैं So, this is page number 71, and the name of our letter is W. What is the correct name of the letter? It's W. You W W. It's W, and this is the small letter or the sound of the letter. And the sound of the letter is very interesting. Look at my lips very carefully. We are going to round our lips like W. W. Water. wo, Water. And wo. Watch, watch, wall, wall. वॉच वॉच वॉल वॉल सो ऑल दीज watch आर स्टार्टिंग विद वो wall. अब हम ये देखते हैं कि हमारी बुक में कौन कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जो से स्टार्ट हो रहे हैं सबसे पहले देखें दिस इज window. वह विंडो और विंडो हर एक के रूम में होती है और विंडो का क्या पर्पस है ये हम यूज करते हैं वेंटिलेशन के लिए यानी फ्रेश एयर अंदर आए और सनलाइट अंदर आए तो ये देखिए विंडो खुल रही है और उसके सामने आपको एक करटन भी नजर आ रहा है और एक ट्री भी नजर आ रहा है जो कि बाहर वाली साइड पे है सो इट्स विंडो वो विंडो और ये क्या है इट्स अ ब्लू वेल वो वेल और आपको पता है वेल्स का साइज बहुत बड़ा होता है वेल्स जो हैं बहुत बड़े साइज की होती हैं और वेल्स पूरी पूरी फिश को खा सकती हैं क्योंकि इनका अपना साइज बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। और आगे देखें इज दिस इज व्हील जैसे वो फोम हमने सीखी हुई है बस गो राउंड एंड राउंड राउंड एंड राउंड सो इट्स अ व्हील एंड व्हील इज जस्ट लाइक अ सर्कल इट्स द शेप ऑफ द सर्कल सो व्हील व्हील एंड इसके अलावा व्या बनता है लाइक यू आर वॉचिंग माई वीडियो व वॉच व वॉच एक वॉच तो ये है जो हम पहनते हैं टाइम देखने के लिए और एक वॉच लाइक वी वॉच समथिंग ओके So let's revise all these words <coughs> and we are going to sing them wo wo window wo wo wheel wo wo wheel and wo wo water wo wo watch and wo wo wall ab hum chalte hain aur letter w ki formation so i'm holding the card of letter w here so we are going to make a slanting line and then go up and again then go down and go up ये बिल्कुल जैसे हम two V's को आपस में join करते हैं इसकी formation भी बिल्कुल वैसी है ये है हमारा small W और small W भी बिल्कुल capital W जैसा है लेकिन इसका size थोड़ा सा छोटा है तो हमने क्या करना है slanting line बनानी है we will go up go down and then again go up this is letter w this is small w now we are going to practice letter w in the sand tray so we are going to make slanting line another slanting line then go down then go up and slanting line another slanting line and this is letter w okay so say trace and write first of all we are going to identify कि W जो है वो स्काई है ग्रास है या रूट लेटर है तो W को गौर से देखें स्मॉल W को ये सेंटर टू लाइंस में आ रहा है तो ये है ग्रास लेटर अब हम क्या करने वाले हैं हम W को करेंगे ट्रेस जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि W की फॉर्मेशन बिल्कुल लेटर V जैसी है लेकिन ऐसे जैसे हम टू लेटर वीज को आपस में ज्वाइन कर दें तो वो डबल यू बन जाएगा यानी डब्ल्यू तो अब हम क्या करेंगे इस डॉट पे रखेंगे अपनी पेंसिल को और स्लांटिंग लाइन ड्रॉ करेंगे जहां पे एरो जा रहा है देन वी विल गो अप एंड वन मोर टाइम वी विल गो बन गया हमारा कैपिटल डब्ल्यू और उसके बाद क्या है स्मॉल डब्ल्यू यहां पे हम रखेंगे अपनी पेंसिल Or ye slanting line another slanting line or ban gaya hamara. W Put your pencil on the dot, make a slanting line and go up. Slanting line, go down in the slanting line and again go up in the form of slanting line. और हम अब क्या करेंगे स्मॉल लेटर को भी ट्रेस करेंगे स्लॉटिंग लाइन एंड अदर स्लान लाइन एंड द लास्ट स्लॉटिंग लाइन सो दिस इज स्मॉल डब्ल्यू अब हम कैपिटल और स्मॉल डब्ल्यू को फोर लाइंस में खुद से राइट करेंगे यानी इंडिपेंडेंट राइटिंग होगी हमने इसके टू डॉट्स लगा लेने हैं और फर्स्ट डॉट से हम स्टार्ट करेंगे स्लॉटिंग लाइन गो अप गो डाउन एंड गो अप तो ये बन गया हमारा कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू भी बिल्कुल हमने ऐसे ही बनाना है ये बन गया हमारा स्मॉल डब्ल्यू तो इस तरीके से आपने सारे डब्ल्यूज़ की ट्रेसिंग को कम्प्लीट करना है और इंडिपेंडेंट राइटिंग को भी खुद से कम्प्लीट कर लेना है अब हमारे पास कुछ टीचिंग गाइडलाइंस हैं उसमें आपने बच्चों को लेटर नेम सिखाना है यानी करेक्ट लेटर नेम बताना है इसका करेक्ट साउंड बताना है इसके वोकेबलरी वर्ड्स बताने हैं और आपने उनको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करना है उसके साथ साथ जब आप बच्चों को लेटर डब्ल्यू की फॉर्मेशन बताएं तो उनको इनक्रेज करें कि उसकी मैक्सिमम प्रैक्टिस भी करें और फिर आप उनकी हेल्प करें ट्रेसिंग और राइटिंग करने में अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर कुछ एक्टिविटीज़ करते हैं

उसके बाद हमारे पास टाइगर है टाइगर को मैच नहीं करना देन वी हैव ए अम्ब्रेला अम्ब्रेला को भी मैच नहीं करना देन वी हैव अ विंडो तो विंडो को तो मैच करना है बिकॉज वो विंडो अब हम चलते हैं और नेक्स्ट एक्टिविटी करते हैं कलर द पिक्चर दैट बिगिन विद डब्ल्यू और वो फर्स्ट वन इज द वेस्ट और वेस्ट इज स्टार्टिंग विद वी और साउंड और द नेक्स्ट पिक्चर इज वेल वी हैव अ वेरी ब्यूटिफुल वेल तो आपको याद है कि हमारी बुक में वेल का क्या कलर था इट वॉज ब्लू तो आप भी क्या कर सकते हैं आप भी इस वेल में ब्लू कलर कर सकते हैं जैसे कि मैंने किया है तो आपने क्या करना है लाइन के साथ साथ कलर करना है और अपने लाइन को और अपने कलर को लाइन से बाहर नहीं निकलने देना और इस तरह से आप स्ट्रोक्स लगाएंगे वाइट स्पेसिस को फिल करते जाएंगे और इस तरह से आपने पूरी कलरिंग को कंप्लीट कर लेना है अब हमारे पास टीचिंग गाइडलाइंस है और आप बच्चों को इनकरेज करें कि वो इन एक्टिविटीज को कंप्लीट करें सो दिस इज नंबर थ्री एंड वी हैव अ पोम हियर एंड द टॉपिक इज ट्रैफिक लाइट सो हाउ मेनी ट्रैफिक लाइट्स आर देयर वी हैव थ्री ट्रैफिक लाइट्स रेड येलो एंड ग्रीन रेड मीन्स स्टॉप येलो मीन्स रेडी एंड ग्रीन मीन्स गो और ये ट्रैफिक लाइट्स किस लिए होती हैं ये होती हैं हमारी सेफ्टी के लिए यानी हम जब ड्राइविंग करते हैं तो ये लाइट्स हमें हेल्प करती हैं डिफरेंट एक्सीडेंट से बचने के लिए तो हमें ज़रूर इन ट्रैफिक लाइट्स को फॉलो करना चाहिए अब हमारे पास जो फोम है हम इसको सेंग करेंगे और आपने मेरे साथ इसको सेंग करना है और गौर से सुनना भी है ठीक है लिसन टू द फोम Twinkle, twinkle, traffic lights. Twinkle, twinkle, traffic lights. On the corner, shining bright. On the corner, shining bright. Red means stop and green means go. Red means stop and green means go. Yellow means ready to go. Twinkle 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 traffic traffic lights lights on on the the corner corner shining shining bright bright I hope कि आपको का मजा आया होगा अब आपने क्या करना है इसको याद कर लेना है ठीक है और आपने क्या करना है ट्रैफिक लाइट्स को भी फॉलो करना है आप तो जाहिर है गाड़ी ड्राइव नहीं करते आप अपने पेरेंट्स के साथ बाहर जाते होंगे तो आपने उनको बताना है कि वो इन ट्रैफिक लाइट्स को जरूर फॉलो करें यानी जब लाइट रेड हो तो आपने स्टॉप हो जाना है जब येलो हो तो आप रेडी हो जाएं ड्राइव करने के लिए और जब ग्रीन हो तो सिर्फ तब आपने जाना है जी बच्चों ये था हमारा लेटर W और आई होप आपको लेटर W का साउंड भी समझ आ गई होगी अब आपने क्या करना है आपने W यानी O से स्टार्ट होने वाले कुछ और वर्ड्स भी तलाश करनी है और फिर आपने लेटर W की फॉर्मेशन की भी प्रैक्टिस कर लेनी है और एक फॉर्म जो हमने सिंग की है विच वॉज़ अबाउट द ट्रैफिक लाइट्स तो मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट बात बताने वाली हूँ कि जब आप कभी रोड क्रॉस करें तो आपने ख्याल रखना है कि जब लाइट रेड होगी तो आपने सिर्फ तब ही रोड को क्रॉस करना है क्योंकि जब लाइट रेड होती है ट्रैफिक रुक जाती है तो जिन लोगों ने रोड क्रॉस करनी होती है वो ज़ेब्रा क्रॉसिंग को यूज करते हुए रोड को क्रॉस कर लेते हैं थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज